ये गाइस कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। बहुत ही ज़्यादा हाँप रहे, हाथ काँप रहे, उसका भी रीज़न है। पहले तो दिखा दे रहे हैं कि ठीक वहाँ पे जो सेकंड पिलर आपको दिख रहा है उस वाले ब्रिज का, उसके नीचे अभी जस्ट हम लोग इस वाले पिलर के नीचे खड़े थे। और हम लोगों ने मतलब वहाँ पे जो ब्लू कलर का शर्ट वाला इंसान है वहाँ पे हम लोग खड़े थे जस्ट ऐसे ही। वहाँ पे बालू है, पानी नहीं है, बालू है। वहाँ पे खड़े होकर हम लोग सोच रहे थे कि वीडियो बनाए आज का। हम लोगों ने देखा कि उन दोनों पिलर के बीच में एक आदमी डूब रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ से पूरा भागते हुए गए, तब तक करीबन वो मतलब डूब गया था। सिर्फ डूबा नहीं, पूरा मतलब रो रहा था कि बचा लो मुझे, मेरा पैर फिसल गया, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। अन्ना उसका क्या हुआ मतलब मैं बता दे रहा हूँ, उसका मतलब बस ऐसे हाथ दिख रहा था, पूरा सिर फिर डूब गया, पूरा डूब गया। उनके साथ जो आए हैं वो उतने कैपेबल नहीं है कि उनको बचा पाए, ठीक है। मैं पूरा डर गया, मैंने इनको बोला कि चलो भाग के दोनों गए। वहाँ पे उनको पकड़ा, जैसे तैसे खींच के पानी से बाहर निकाला। बाद में पता चला दारू पी के हैं, ठीक है। फिर जैसे तैसे करके बैठाया उनको, 10-15 मिनट का भाग दौड़ हुआ। अभी जाकर हम लोग वहाँ से आए, फिर भी हम लोगों को गाली दे रहे वो। अब क्या हुआ सुनो, वो आदमी दारू पी के था, ठीक है। मैं वीडियो में बना नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि इतना भागा दौड़ी हुआ। हम वो देखो उनका दोस्त अभी भी खड़ा है वहाँ पे, देखो लाल शर्ट में। हम लोगों को लगा कि भाई लोगों का जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने जान बचाया उनका। आए फिर बाद में पता चला कि वो मतलब दारू पी के गए थे वहाँ पे, और उनका जो पत्नी है वो बोल रहे छोड़ दो, उनको लाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा जनों के साथ, ऐसा फैमिली के साथ आए, फ्रेंड के साथ है कि फैमिली फ्रेंड के ऊपर कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको बचा ले। वो किनारे पे खड़े होकर बोल रहे आ जा इधर पे। हम लोग पानी में उतरे, किनारे खींचा उनको, अच्छे से बैठाया। तो अगर आपके पति, भाई, रिश्तेदार कोई दारू पीते हैं, प्लीज़ इस वाले दामोदर पे मत आइए, ठीक है। कोई सा भी दामोदर में मत लेके जाइए, वही बोलने का रीज़न वही है। क्यों करते हो ऐसा? घर वाले ऐसे घर वाले आए हैं कि दारू पी के आए, छोड़ दिया है, पानी में डूब रहा है, वो लोग किनारे होकर खड़े होकर बोल रहे आ जाओ यहाँ पे। आदमी रो रहा है वहाँ पे, आदमी को भी बोलता हूँ दारू पीने का क्या जरूरत है। ऐसा देखो हालत, देखो इनका हालत दिखाते ही तो बचाते गिर भी गए। क्या हालत देखो रुक जाओ, ये देखो कीचड़ लगा हुआ है पूरा शर्ट पे। बताओ ऐसा मतलब वो उनका पत्नी इतना डर गया था, वो अपना पत्नी को ही गाली दे रहा, बोलो हम लोग को गाली दे रहा जो हम लोग बचाए। फिर उठने के बाद उसका पत्नी ने बोला कि हम दोनों पुलिस के आदमी है, उसका जो दारू का बोतल में जब्त कर लिया, ऐसा दारू था वो हम लोग ने ले लिया है, वो सुन के हम लोग को गाली दे रहा। अब बोलो क्या बोलना? उठने के बाद बोल रहे मेरा बोतल कहाँ है और भाई कैसे करके उठाया जानते हो? जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, यहाँ पे दो जन हाथ पकड़ा, यहाँ पे दो जन पैर पकड़ा, ऐसे सनी ने और एक जन ने उनका हाथ पकड़ा, और मैंने अकेला ने मैंने पूरा उनका पैर पकड़ा, ठीक है, पैर पकड़ के उनको उठाया, फिर पत्थर में बैठाया। भाई ऐसा मतलब अपना मजाक मत बनाओ, बोलने का रीज़न यही। मतलब वहाँ पे हम लोगों को देख के जो हालत हुआ हम लोगों का बता नहीं पा। सनी पाजी को तो पहले लगा कि कोई मजाक कर रहा है, ठीक है, ऐसे पानी में खड़ा होकर। फिर मैंने उनका आवाज़ सुना, कह रहा है भाई मैं आ नहीं पा, रो के पूरा आदमी बोल रहा है भाई मैं आ नहीं पा रहा हूँ, पैर फंसल गया। मुझे जो डर लगा भाई, सही बात है, मैं दौड़ते हुए गया वहाँ पे। ऐसा मत क्या करो भाई दामोदर में, हम लोग कई बार बोलते हैं कि ऐसा मत क्या करो, दारू पी के मत उतरा करो, ठीक है। चलो वो देखो आदमी अभी भी देखो नशे में क्या कर रहा है, देखो एकदम लास्ट में देखो दो आदमी का पीछे है, देखो और देखो। मतलब ऐसे घर वाले भी हैं कि उनको दारू देखो देखो देखो, देख पा रहे हो? वो आदमी अभी भी वहीं पे, अभी मेरे पीछे उनकी फैमिली खड़ी है, मेरे पीछे। हाँ देखो इसका पीछे उसका फैमिली है, बताओ। ऐसे मत क्या करो, ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि मतलब मैं वीडियो एविडेंस तो ले नहीं पाया यार, क्योंकि आदमी की जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर मैं थोड़ा बातचीत करके देखूंगा यहाँ के लोकल अथॉरिटी से, ताकि लोगों को जो है पानी से उतरने पे बैन लगाया जाए, क्योंकि अभी तो पिकनिक का माहौल है, आपको पता ही है पिकनिक के माहौल पे यहाँ पे 5-6 लोग डूब के मरते ही मरते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर दारू पी के। तो मैं लोकल अथॉरिटी से बात करके देखता हूँ यहाँ पे वो लोग क्या कहती है, यहाँ के जो भूतनाथ मंदिर के जो लोग हैं, सनी पाजी के भी जान पहचान के हैं। मैं बातचीत करके देखता हूँ उन लोगों से कि उन लोग जो है पानी में जाने से मना किए लोगों को, एक बोर्ड लगा दे, बोर्ड पहले भी था पर पता नहीं यहाँ पर ही था, यहाँ पर ही था, पता नहीं पानी का लेवल बढ़ा तो हटा दिया। तो मैं देखता हूँ बातचीत करके, ताकि एक व्यवस्था किया जाए जिसका वो देख भाई, और फिर से वो उतरेगा। पहले यहाँ पर सिविक पुलिस रहा करते थे, पूरा बैरिकेड दे देते थे नदी को, फिर हटा दिया भाई, क्या ही बोला। ऐसा मत क्या करो यार, सुन पा रहे हो? तो जो हुआ ऐसा मत क्या करो, अगर दामोदर आते हो दामोदर में उतरने की कोशिश मत किया करो। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो,
आपके दोस्त मुझसे अगर दारू पीते हैं दामोदर में आते हो तो सिर्फ उन्हीं को शेयर किया करो, व्यूज की जरूरत नहीं है मुझे, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को शेयर किया करो जो दामोदर आके दारू पीते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कितना रिस्की है, ठीक है। ऐसे चीज़ें मत किया करो, आपकी जान ज़्यादा कीमती है और भोले बाबा का असीम कृपा है कि भाई आज चलो किसी के काम तो आ सके, तो एक इंसान की जान तो बची। मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव हैप्पी लाइफ। और सबसे ज़्यादा दुख की बात पता है क्या है? सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि वहाँ पर सिर्फ हम दोनों नहीं, 10-15 जन लोग थे। सब कोई क्या कर रहे हैं, जैसे पार्क में टहलते हैं बस वैसे ही टहल रहे हैं नदी के किनारे, वो लोग देख पा रहे हैं आँखों से कि एक आदमी दारू पी के डूब रहा है। उनको इंस्टेड ऑफ उनको बचाने के बजाय सब अपने में टहल रहे हैं, हंस रहे हैं उनको देख के। ये दृश्य देख के जो घिन आई ना भाई, मुझे उन लोगों से बता नहीं पा रहा हूँ। एक आदमी डूब रहा है, आपको भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, बचाओ उसको, उसके बजाय लोग टहल रहे हैं वहाँ पे, गोल होके घेरा होके खड़ा है और हंस रहे हैं उनको देख के। ऐसा इंसान होके भी क्या फ़ायदा भाई, ऐसे इंसान होके क्या फ़ायदा कि किसी का अगर काम भी ना आ सको। सही बता रहा हूँ, अगर कभी भी कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत हो, आपको हाथ पैर दिए है भगवान ने सलामत, आप उनको हेल्प कीजिए बचाने का, वहाँ पे खड़े होके तमाशा मत देखिए, जितना हो सके आप मदद कीजिए, कम से कम कीजिए, ठीक है। बस यही अनुरोध है और कुछ नहीं कहना चाहता मैं।